फिर क्लास 12 बायोलॉजी में आज हम लोग 12वां लेसन का एक और प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछा जाता है कि ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है। तो आप कहेंगे कि ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी से तात्पर्य पादपों में जैविक तकनीक के अनुप्रयोग से होता है। इसका उद्देश्य पादपों के पोषणिक स्तर में गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि से है। इसके द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले पादपों का निर्माण कर मानव तथा पशुओं को सभी प्रकार के खाद्य, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उदाहरण के लिए गोल्डन राइस, अब देखिए यह भी एक प्रकार का ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी है। यह विटामिन ए से भरपूर होता है। दूसरा आप कह सकते हैं फ्लेवर सेवर, दीर्घकाल तक खराब न होने वाला और अधिक सुस्वाद वाला टमाटर ये एक प्रकार का होता है। तो देखो कितना सिंपल सा है, आप इसको बता सकते हैं। फिर आपके पास एक और क्वेश्चन आता है कि अनुवांशिक रूपांतरित फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये क्लास में बता सकते हैं कि ऐसे देखिए अनुवांशिक रूपांतरित फसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह सकते हैं ऐसे जीव जिनकी उत्पादकता, गुणवत्ता और रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए उनके जीनों में फिर बदल कर दिया जाता है, उसे अनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। अधिकांशतः किसी बाह्य जीन को इन जीवों में प्रवेश कराकर कराया जाता है। इस कारण इन्हें परजीनी जीव भी कहते हैं। तो परजीनी जीव का मतलब होता है कि जो जीव होते हैं उसके जो जीन होते हैं उसको फिर बदल कर दिया जाता है और फिर वह बहुत अच्छा फसल का निर्माण करता है। देखिए आगे हम लोग कुछ और बातें भी बता सकते हैं कि फसलों में अनेक उद्देश्यों के पूर्ति के लिए परजीवी पादपों का उपयोग व्यापक तौर पर किया जा रहा है। इन फसलों को जीएम फसलें कहा जाता है, जैव प्रौद्योगिकी फसलें भी कहते हैं। उदाहरण के लिए बीटा कपास। अब देखिए यह भी आप बता सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन और हमारे पास आता है कि बीटी फसल क्या है, इसके महत्व का वर्णन कीजिए या बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए बीटी कपास के बारे में बता सकते हैं कि यह एक प्रकार का प्रतिबीज है जो जीवाणु बैसिलस थ्यूरियंजिस से निर्मित होता है। जब बीटी जीव बीज का जीन जीवाणु से निकल कर पादपों के स्थानांतरित कर देता है तो ऐसे फसल बीटी फसल कहलाते हैं और इसके द्वारा पादप फसल प्रजाति पीड़क प्रतिरोधी बन जाती है। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन आपका है कि किन्हीं दो बीटी फसलों का नाम लिखिए और इसके निर्माण में भाग लेने वाले मुख्य जीवाणु का भी नाम लिखिए। तो बीटी फसल का नाम है, एक बीटी बैंगन कह सकते हैं, एक बीटी कपास कह सकते हैं। और देखिए इन दोनों फसलों को बनाने के लिए बैसिलस, ये नाम याद रखेंगे, थ्यूरियंजिएंसिस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सिंपल ये भी क्वेश्चन था, माने दो ऐसे फसल का नाम बताना था जो कि बीटी फसल था। एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैव प्रौद्योगिकी के स्वास्थ्य में उपयोग पर टिप्पणी लिखिए। माने जो जैव प्रौद्योगिकी होता है इसके स्वास्थ्य में क्या उपयोगिता होता है। तो बहुत सारा जैव प्रौद्योगिकी का मानव रोग के उपचार में विशेष योगदान होता है। पहला टीका उत्पादन में, पहला जो होता है टीका उत्पादन में। दूसरा स्टीराइड तथा इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन में। तीसरा गर्भाशय में रोग की जानकारी करने में। चौथा एड्स, बीटा थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया आदि रोगों को पहचानने में भी जैव प्रौद्योगिकी का विशेष योगदान होता है। देखिए ये चार पांच बातें होती है जो कि स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी के बीच में बड़ा गहरा संबंध होता है। पहला तो टीका उत्पादन में, दूसरा स्टेराइड तथा इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन में, तीसरा है गर्भावस्था में रोगों की जानकारी करने में, चौथा होता है एड्स, बीटा थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया आदि रोगों को पहचानने में भी जैव प्रौद्योगिकी का विशेष योगदान है। अच्छा कुछ और बातें आपसे, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि चार पुनर्गठित प्रोटीन तथा उनके चिकित्सीय उपयोग लिखिए। प्रश्न आपका है कि माने चार पुनर्गठित प्रोटीन तथा उनके चिकित्सीय उपयोग लिखिए। तो पुनर्गठित प्रोटीन में आपका देखिए हार्मोलिन हो जाएगा, इसका उपयोग जो होता है मधुमेह उपचार के लिए किया जाता है। प्लाज्मिनोजन हो जाएगा, कैंसर उपचार हेतु उपयोगी होता है।
रिलैक्सिन सरल प्रसव हेतु उपयोग होता है। इंटरल्यूकिन सेकेंड कैंसर उपचार हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।